प्रिया धीर, रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। भोपाल में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस ने संपन्न एमपी को बीमारू बनाया, बीजेपी ने नई ऊंचाई तक पहुंचाया। भोपाल की रैली में बोले शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश में अब बिजली की कमी नहीं। पीएम मोदी के एमपी दौरे के बीच उमा भारती ने दोहराई महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे की मांग। बिहार में नीतीश कुमार ने जेडीयू के विधानसभा प्रभारियों की टीम को किया भंग। कानपुर में स्कॉर्पियो का एयरबैग नहीं खुलने पर गई थी युवक की जान, आनंद महिंद्रा सहित 14 के खिलाफ केस। यूपी में बीजेपी विधायक के रिश्तेदार सहित 3 के खिलाफ हुआ केस दर्ज, फर्नीचर वाले से की थी मारपीट। केरल के 4 जिलों में पीएफआई वर्कर्स के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। एमपी के शहडोल उमरिया हाईवे पर पेड़ से टकराई कार, 5 लोगों की हुई मौत। प्रियंका गांधी अगले महीने मध्य प्रदेश के धार में करेंगी रैली। छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे राहुल गांधी, भूपेश बघेल ने किया स्वागत। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 3 थी तीव्रता। यूपी के धर्मांतरण और लवजिहाद के खिलाफ आरएसएस चलाएगी मुहिम। कोलकाता के चांदनी चौक में एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी भीषण आग। एशियन गेम्स में वुमन एयर राइफल में भारत की रमिता आशीष चौकसे ने जीते 2 पदक। खालिस्तानियों के बाद अब नाजियों का सम्मान कर घेरे कनाडाई पीएम, विपक्ष नेता ने की निंदा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया से।